सो हेलो एवरीवन, तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए हो, खैरियत से हो गए, और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, जो कि मैं नाश्ते में ही बना रही हूँ और जो मुझे बेहद पसंद है। तो आलू की स्टफिंग हमने एक लोई में डाली है, उस लोई को हल्का सा एक प्रेस करेंगे, फिर लोई को हल्के हाथ से फैलाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालेंगे, फिर बेलन की मदद से इसको हल्का हल्का बेलेंगे। तो मेरे हस्बैंड को पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं रोटियां बना रही हूँ। तो रोटी बेलने के बाद अभी एक एक करके इसको मैं अभी सेकाऊंगी। तो माशाल्लाह हमारी रोटियां भी बन चुकी है। सो रोटी बनने के बाद अब मैं एक एक करके पराठा सेकूंगी। मुझे घी पसंद है, इसलिए मैंने घी उसमें डाला है। आपके पास नहीं है तो आप उसमें तेल भी डाल सकते हैं। तो पराठे धीमी आंच पे सेकाने हैं। इस तरह से हमारा करारा क्रिस्पी पराठा तैयार है। तो मैं इसमें और थोड़ा घी डालूंगी, क्योंकि पराठे में तो घी चलता है और हम लोग कभी कभार खाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो आप भी आए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में मैं खा रही हूँ आलू का पराठा और टोमेटो सॉस, द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप भी आए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अब इसको खा के देखते हैं कि एक्चुअली कैसा बना है। ओके, मस्त, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है और थोड़ा क्रिस्पी सा है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी पसंद है। मस्त माशाल्लाह बना है, तो आप भी ट्राई कीजिए और खाइए और खिलाइए। सो नाश्ता करने के बाद अब मैं तुरंत ही बर्तन वगैरह धोकर डाल रही हूँ।
अब बर्तन धोने के बाद अब मैं गैस कट्टा भी धो रही हूँ। सो अब मैं सूखे हुए कपड़े निकाल लूँगी, फिर उसकी एक एक करके घड़ी करूँगी। मैं बना रही हूँ खाना, उसके लिए मैंने चावल गैस पर पकने रखे। तो उसके लिए मैं कुकर में ही दाल बनाऊंगी। उसमें मैंने तेल डालकर राई और जीरा डाला है, फिर इसमें जो स्लाइस किया हुआ ऑनियन डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तब तक हमारा खाना भी बन रहा है और दाल भी पक रही है। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दाल, जो कि मैंने भिगो कर रखी थी। फिर इसके बाद उसमें टमाटर डालेंगे। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट पकने देंगे। सो दाल 90% पकने के बाद में इसमें हम डालेंगे ड्रम स्टिक यानी कि डांबे। फिर ढक्कन लगाकर वापस इसे 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना भी दस्तरखान में रखी हूँ। तो खाने में है दाल, चावल, रोटी और कल की बनाई हुई फिश। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा लग चुका है और हम अब बिस्मिल्ला बोल के खाना खाएंगे। तो मैं वीडियो मेरी यहाँ पे ही एंड करती हूँ। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।